तो गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधु से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। गिफ्ट, ओ नो, गिफ्ट आपको मिलेगा, बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए, बच्चों को गिफ्ट। हाँ, नहीं, बच्चों को गिफ्ट देना चाहिए, बच्चे तो है, हम जिसके लिए व्रत रख रहे हैं वो है ही नहीं। कट गया ना, बोला वो कपड़ा तो सही हो गया। वो नाखून से तो राजा ने अलार्म लगाया था, मैंने ऑफ कर दिया। मेरी आँख 3:30 बजे से खुली हुई है, मेरी नींद ही नहीं लग रही थी, मुझे थोड़ा सा वो रहा था बस। मेकअप बिना उतारे सो गई हूँ और यहाँ पे पूरे में आपको ग्लिटर्स दिख रहे होंगे। तो मैं कुछ नहीं खा पी रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है और राजा सो रहे हैं ना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अगर राजा सरगी ना देना तो मैं तब भी, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं बनाई थी उस दिन, मैं बहुत आलसी हूँ ये सब चीज़ें करने में, वो भी सुबह सुबह। तो मैं थोड़ा सा ये सोन पापड़ी खाऊंगी जो कि राजा ने सरगी के दिन रखी थी, जितनी मैंने खाई थी करवा चौथ के जब हुआ था, मतलब 24 तारीख को सुबह 4 बजे, उतनी ही खाई हुई है, ये किसी ने खाई नहीं क्योंकि राजा के दांत की प्रॉब्लम है। मैं मीठा ज़्यादा खाती नहीं हूँ। इतना सा मैं शगुन के लिए खा रही हूँ क्योंकि डुगू की ये पहली अहोई अष्टमी है और मैं नहीं चाहती थी कि ये 4 बजे वाला जो शगुन होता है ये मैं मिस करूँ। तो कल करते हैं इस व्रत को कंटिन्यू और डुगू का फास्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभी नहा के आई हूँ और मैं अभी जा रही हूँ चेंज करने। जैसे कि आप लोगों को पता है अहोई अष्टमी है, तो ये जो अहोई अष्टमी है ये डुगू की पहली अहोई अष्टमी है। 2 साल से हम लोग, मैं व्रत रख रही थी और ये है, ये पाया डुगू के साथ है। Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. मैं आरती करी और मैं जल चढ़ा के आई। मेरे को खाना खाने जाना है क्योंकि मुझे खाना मिंसना है और ये जो है ये आज बहुत परेशान कर रहा है। मैंने इसका नीचे का उतार दिया, डायपर चेंज कर दिया, उसके बाद भी इज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल, कॉलिक दे दी, उसके बाद भी इज वेरी अनकंफर्टेबल। ये अपने व्रत के टाइम पे बहुत ज्यादा भाव खा रहा है और दिन सोता रहता है मन। हाँ, और पता है ये राजा से भी नहीं संभल रहा आज, है ना, बोलो तुम ऐसी बच्ची हो, कपड़े नहीं पहनने, पता है कपड़े नहीं पहनने हैं, इसे नीचे का बॉटम नहीं पहनना है, है ना। क्या है, इसकी नींद नहीं लग पा रही है, मुझे इसे कुछ भी करके सुलाना पड़ेगा क्योंकि और फ्रस्ट्रेट होता जाएगा। अगर बच्चा नींद नहीं कर पाएगा ना आपकी, तो वो फ्रस्ट्रेट होता लगने लगता है। और इसके लिए भी मैंने पूजा जो है वो कर दी है, मैं तैयार नहीं हुई अभी तक, मैं अभी एक बार जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगी ना फिर तैयार होंगी। ये देखिए, हाय मेरे बच्चा, इस बार हमारा अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये मेरा 3rd ईयर है और व्रत बेबी हमारा व्रत बन रहा है। हेलो बेबी, तो चलिए मैं इसे थोड़ा सुलाने की कोशिश करती हूँ और फिर हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं खाना जो है वो कर दूँ। ये मैंने चीनी घोलने रखी थी, इसको घोलने के लिए मैंने 3 घंटे पहले रखा था और अभी भी हल्की सी ये घुलनी बची है, इससे मैं पोहे बना रही हूँ। ये है सॉफ्ट हल्का सा नारियल जो रहता है उसका वो डालेंगे और ये पोहे पूरी हलवा ये जो है ये मिंसने में निकलते हैं।
बॉटल मैं स्टरलाइज कर रही हूँ, ये सब जो है ये पैक करनी है मुझे, हम लोग को जाना भी है। मैं उससे पहले सोच रही थी कि सब कुछ स्टरलाइज करके क्लीन करके रखूंगी। इसमें से एक बॉटल और ढक्कन मुझे मिल नहीं रहा है, दो तीन मैं और लेके आ रही हूँ कि जितनी ज्यादा रही, क्योंकि हमें सफर में जाना है। और यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है, ये मेरे पूरे का आटा तैयार है। यहाँ पे आलू उबल रहे हैं, राजा ने मुझसे गोभी का लेकर था। हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी आज, एक चीज बता। मुझसे पूछा था कि डुगू तंग करता है रेली रात में, उन्हें पता नहीं चलता है क्योंकि, क्योंकि मैंने बोला कि वो सुबह 6:30 से 8 बजे तक फीडिंग के लिए लगा रहता है, नींद में रहता है क्योंकि। तो वैसे अब तुम मेरे को मना करके दिखाओ कि मैं तुम्हें 2-3 बजे उठा रहा हूँ या 12 बजे 4 किलो उठा रहे थे, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा रही थी ना, तो बताओ मैं देखता हूँ काम। Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. तो अभी बज रहे हैं 5:30, डुकू काफी रो रहा है, डुकू बहुत ज्यादा परेशान है, पता नहीं क्यों। तो पता नहीं खाना बनेगा या नहीं बनेगा, मैं फिलहाल अभी जा रही हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार, बहुत जल्दी जल्दी में हुई हूँ, पता है आज। आज मैंने ऐसे बाल वाल बांध लिए, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, फाउंडेशन लगाया, आज कुछ भी लाइक आई मेकअप में कुछ नहीं किया, लाइनर और काजल लगाया, कोई मतलब आई शेडो वगैरह कुछ नहीं लगाई, क्योंकि टाइम नहीं था। डुकू जो है ना वो आज थोड़ा सा इरीटेटेड था इस चक्कर में, पर अभी मैं हो गई हूँ तैयार। मेरी बैंगल्स हैं, ये मेरे कपड़े हैं जो मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, मैं आपको पहले दिखा रही थी, पूजा जो है वो 6 से 7 बजे के बीच में है, ऑलरेडी जो है 6:30 के आसपास होने लगा है टाइम। और एक मिनट में यहाँ पे एसी बंद कर दूँ पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी और पुआ रखा है, तो मैं हलवा बनाने वाली थी, मुझे बनाए दिया, मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने बोला पूड़ी और पुए बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने और पूड़ी निकाल दी है और पुए निकाल दिए हैं। और ये जो है ये पूजा का है, पूजा के लिए मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पूजा करनी है मम्मी के साथ, और चल रहा है डुगू भी साथ में, राजा भी साथ में, तो चलिए चलते हैं। डुगू कहाँ जा रहा है हमारा, डुगू कहाँ जा रही है, तब जा रहे हम लोग नीचे पूजा करने। ओ ओ डुगू कहाँ जा रही है, तैयार तैयार लोग के, हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। राजा आज पता नहीं कैसे कपड़ों में, आज मेरे ट्रेडिशनल नहीं है, मेरे दांत में है, निकला हो रहा दवाई वगैरह, बहुत ज्यादा दर्द है, बोलने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है आज, इसलिए मेरे को करना था बहुत कुछ आज, होना था लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैं जा रहा हूँ पूजा की थाली लेने, और डुगू और मम्मी, डुगू की मम्मी जाने नीचे, चलिए ठीक है मैं लेके आता हूँ पूजा की थाली। रही पूजा की थाली, बहुत कुछ सोच के रखा था आज के लिए, मेरे को अरेंजमेंट करा रहा था लेकिन मैं करा नहीं पाया क्योंकि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैंने सोचा रेस्ट कर लिया जाए, ज़्यादा बोल भी रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी दवाई लेके रखी है मैंने, उससे थोड़ा बहुत पेन रिलीफ है लेकिन पेन हो रहा है, और 3-4 दिन तक होना है, तो मैं सोच रहा हूँ इन लोगों को जाना उसके पहले मेरा पेन एकदम सही हो जाए, इसलिए मैंने दांत निकलवा दिया है, क्योंकि दांत नहीं निकलवाता कुछ ना कुछ उसमें क्लीनिंग चलती ही रहती है तो सही नहीं होता, इसलिए मेरे को दांत निकलवाना पड़ गया। तो चलिए नीचे चलते और व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। भैया क्या हो गया, नजर उतारी इसकी, नजर उतारी परसों उतारी थी, कंटा गरम कर दूं,
रख दो अभी हल्का। कहाँ रख दिया मैंने? वहाँ पर रखा माइक्रोवेव के पास। मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत दिक्कत हो गई है। नीचे बैठू इससे तो मैं नीचे भी नहीं बैठा जाएगा। मैं नीचे तो और नहीं बैठा जाएगा, पलंग पे नहीं बैठा जा रहा। डगो डगो ही इज नॉट नो मोर। उसका टॉवल नहीं लाई? अच्छा करवा, हम लोग कह रहे हैं करवा चौथ रहता है, दिवाली तक रखा रहता है। वो किससे देते हो? अरे शाम को जो किस चीज़ कौन से करवे से? दो रखते हैं, दो रखते हैं ना, एक ऐसा वाला और यहाँ तो होता हमारे यहाँ भी वो दिवाली तक उसमें से आते हैं। चलो तो कल से मैं नहाऊंगा इससे। नहीं दिवाली वाले दिन उससे कैसे देख रहे हो? देखो तुम अरे यार दर्द उठ रहा है। अब आराम से बैठे गोदी में, आराम से बैठे गोदी में, बैठे हो दे, दे लूं क्या? देखिए कोई माता मुंबई राजा देखिए माता मुंबई मासिक पोर्टल से कहाँ से कॉलेज बैठवा के उल्टी कर यहाँ मिली नहीं रही नहीं 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 तो फोटो भी नहीं मिलती। हाँ ना नहीं मिलती यहाँ। यहाँ का नहीं है क्या ये त्योहार? एमबी का नहीं है? अच्छा अरे भाई स्टोरी होगी ना, ये पंगा क्यों चला दिया? अच्छा गणेश जी वाली पता मेरे पास पूरी बुक है ना, उसमें ना दिवाली करवा चौथ गोवर्धन कहाँ चलते चलते भी किसी प्रकार बद्री काशी में जा पहुंचे। मन जल छोड़ कर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते करते 7 दिन व्यतीत हो गए। होने पर आकाशवाणी हुई कि श्रेष्ठी कर तुम्हें इस दुख की प्राप्ति है। जितने भी बालक हुए वे सब शीघ्र ही मरते गए। इसलिए इसलिए बालकों के गृह जीवी मन का बल दी थे भगवती रास को कहकर अदृश्य हो गई। उसके कुछ महीने बाद उनके एक अत्यंत सुंदर अष्टपुष्ट बालक हुआ। इस प्रकार श्रेष्ठी दंपति को जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई वैसे कोई भैया सब भी संतानों को संतान प्रदान करें। महाराज की जय हो। दुगु की दुगु की गिफ्ट मिली है, गिफ्ट है। दुगु की बारी है। आए हाय दुगु भाई, ये लो हमने पूरे ये लो भाई। दुगु भैया पहन लो, दुगु भैया पहन लेना है, शादी में पहन लेना ठीक है। ठंड का है? हाँ ठंड आ रही है। इसे 6 मंथ का लाए हो ना? हाँ तो बड़ी लाए, बड़ा ही लाए। नहीं खा सकता।
मस्त कैसे बनते हैं? गुड़ भिगो के उसको पानी में भिगो के रख दो, गर्म पानी में। हाँ, कौन से बनाया बंद? चीनी वाला। अच्छा। हाँ। अपना आटा ले लो, उसमें फिर गुड़ वाला पानी छान के डालो, उसमें सॉफ्ट डाल दो। वो बिल्ली कभी आ गया? अरे हाँ यार, वो यार पिछली बार फिर अपडेट हो क्या गया ऐसा लग रहा है, दिखवाना पड़ेगा मेरे को यार। 2800 रुपए कुछ था, वो भी अपडेट कर दिया इन लोगों ने उठा के, 7000 कुछ दे दिया ना। गरम पूड़ी खा लो भैया, गरमा गरम पूड़ी। तो खाना बनाया जा रहा है, पूजा हो गई है संपन्न, उपवास खुल गया है, उपवास खुल गया है। तारों को वो जल देके उपवास खोल लिया। तो मैं कुछ भी खाना नहीं बना पाई थी, बस मैं पुए बना पाई थी और पूड़ी बना पाई थी। और तो मम्मी ने सब्जी जो है वो भिजवा दिए और पुए भिजवा दिए। नीचे के पुए बड़े टेस्टी है, वो गुड़ के पुए। एक ही बचा है, मैं सारे खा गए। मेरे दांत में दर्द था, पहले सोच रहा नहीं खाऊंगा लेकिन इतने अच्छे लगे। वो सॉफ्ट थे, ये बहुत टाइट है मेरे। मैं खाते ही जा रहा हूँ, एक ही बचा। मम्मी से पूछूंगा कि और है कि नहीं। क्यों इन्हें ऐसी सब्जी मंगवा ली की और है कि नहीं? आलू की सब्जी मंगवा ली मैंने। और मैंने जबकि घर में मैंने इतने अभी आलू उबाल के, ये वाले आलू मैंने उबाल के रखे थे ताकि जो सब्जी है वो मैं बना लूं, पर बिल्कुल नहीं टाइम, ये छोटू का ही फ्रस्ट्रेटेड है। तो अभी मैंने पूरी बना ली है, ये सब्जी मम्मी ने दी है और ये मम्मी ने दी है। बेबी के साथ कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसने करवा चौथ में बहुत कोऑपरेट किया था। इवन जिस दिन मैंने मेहंदी लगाई थी वॉज लाइक वेरी कोऑपरेटिव, पर आज वो बिल्कुल वो नहीं है। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और राजा आप भी खा लो, आ जाओ। और डुबू कौन संभालेगा? डुबू उड़ गया, खेत हो रहा है। मैं संभालू खाना? संभाल ही ना लो आप। मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम लोग आपको खाते हुए मिस करते हैं। पहले हम लोग साथ में से बैठ के खाते थे और ये होता, देखिए अभी राजा संभाल रहे हैं। वैसे कई बार मैं संभालती हूँ और कई बार ऐसा रहता है फीड कराते कराते मुझे खाना खाना पड़ता है। तो ये अभी चल ही रहा है, तो थोड़े टाइम तक आपको हम लोग साथ में ऐसे खाना खाते हुए नहीं दिखेंगे। खाते साथ में ही हैं? मतलब कि अलग अलग काम खाते कभी एक साथ? वैसे ऐसे बैठ के? हाँ दिख सकते हैं। आओ उनको दवाई लेनी है अभी। मतलब मेरे को एक साइड से खाना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड से। खा लिया है, अब मैं डुगो का जो गिफ्ट है जो दाद दादी ने दिया है वो दिखाती हूँ। ये तो कलर बहुत प्यारा है, ठंड के लिए है, और ये है डुगो के लिए। और इसे चीज़ अच्छी है, मेरे को भी ऐसे ही लेके आऊँगी। मैं जितने भी इसके ठंड के कपड़े लाई हूँ उनमें ना ये नहीं है बालों के लिए, मतलब सॉरी बालों के लिए बोल रही हूँ, मैंने बाल देख लीजिए, ये नहीं है हाथों के लिए। तो ये जो है ना ये हाथ के लिए ग्लव्स टाइप के भी हैं इसमें, और ये देखिए पैरों के लिए, और ये है इसका पजामा। ये भी मैं अभी जा रही हूँ ना घर, तो मैं ये जो इसका पूरा सेट है वो लेके चली जाऊँगी। ये गुडुगु की पहली हाईएस्ट है, इससे पहले मैंने 2019 में रखी थी, फिर 2020 में रखी थी। 2020 में जब मैंने हाईएस्ट रखी थी उसके कुछ टाइम बाद, लगभग कुछ चंद दिनों बाद, लाइक 7-8 दिन के अंतर अंतर में जो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट था वो पॉजिटिव आया और मैया ने मुझे डुगु दिया। और मैं जा रही थी पता है चेंज करने, तो मैं आपको अपनी साड़ी पहले दिखा देती हूँ। आई थिंक ये साड़ी मैंने आपको दिखा दी थी है ना साड़ी। इसमें टोटल ना 3 फ्रिल्स हैं नीचे, इफ आई एम एबल टू शो यू। राजा फोन में लगे हुए हैं क्योंकि, और यहाँ पे भी पूरे पल्ले में इसमें फ्रिल है। ये जो साड़ी है इसमें शाइनिंग है, लाइक गोल्डन शाइनिंग। और ये इसका पल्ला है काफ़ी बड़ा, पूजा करने में भी काफ़ी, कई बार क्या होता है डिज़ाइनर साड़ी के पल्ले ज़्यादा बड़े नहीं होते तो काफ़ी तकलीफ होती है।
निकाल लिया है, अब मैं जा रही हूँ चेंज करने और फिर हम लोग जाएंगे पैकिंग करने, क्योंकि बहुत सारा काम बचा हुआ है हमारे पास। लिटरली गिरा हुआ आपके नाक पे, इसे शुभ माना जाता है। मम्मी ने टीका लगाया था ना, कहते कि नाक पे गिरता है तो बहुत अच्छा शगुन होता है। Good night. Good night, everyone.